नंद घर आनंद भयो जय हो नंद लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। आरंभ चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा धूमधाम से मनाया गया श्री कृष्ण जन्मोत्सव। जी हां, आपको बता दें कि बोरीवलीपुर देवी पाड़ा में समाज सेविका व आरंभ चैरिटेबल ट्रस्ट की संस्थापिका भावना ताई शाह द्वारा आरंभ चैरिटेबल ट्रस्ट के ऑफिस में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ केक कटिंग कर श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया, जहां श्री कृष्ण जी के भक्तों ने बड़ी संख्या में हरि कीर्तन भजन के साथ साथ नाच गान कर दर्शन पूजा पाठ व प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान आरंभ चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष रविंद्र मिश्रा, विशाल नागरे, सांभाजी कदम, संतोष देशमुख, लक्ष्मण धर्मे, गणेश तारू, समाधान सूर्यवंशी सहित स्थानीय श्री कृष्ण भक्तों की उपस्थिति बेहद खास रही। भावना ताईसा कहती हैं कि 7 जनवरी को मेरे घर में श्री कृष्ण जी की पूजा पाठ कर उनका प्राण प्रतिष्ठान किया गया, जिसके बाद हम लोग पिछले कई सालों से 7 जनवरी को ही उनका जन्मोत्सव मनाते हैं और लोगों में प्रसाद वितरण कर भगवान श्री कृष्ण जी को याद कर आनंदित हो उठते हैं। आज यहाँ पे आरंभ चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष भावना भाई शाह और हमारे मित्र विशाल नागरे, रविंद्र मिश्रा जी, गणेश तारू जी और उनके सब पदाधिकारी, आरंभ चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से यह जनता के लिए सामाजिक भी कार्य, ये गोर गरीब लोगों के लिए अभी लॉकडाउन में सब रेशनिंग का वाटप ये लोगों ने किया है, विविध कार्यक्रम ये आरंभ चैरिटेबल ट्रस्ट से भावना बहन यहाँ ले रही है और वो सामाजिक कार्य यहाँ उनका चालू है। मेरे घर पे मैंने इस 7 जनवरी के दिन श्री कृष्ण भगवान की पूर्ति लाके उसका प्राण प्रतिष्ठा किया था, इसलिए मैं हर साल 7 जनवरी को इसका जन्मदिन उजवनी करता हूँ और इसलिए आज इस साल भी मैंने अपने देवीपाड़ा में भावना शाह के ऑफिस में भी ये जन्मदिन मनाने का मन किया और सबको आमंत्रित किया और उसके लिए सबको ही सप्रेम आए और अच्छा लगा, इसलिए मैं उन सब लोगों का धन्यवाद अदा करता हूँ और इसी तरह हर साल ये जन्मदिन बनाते रहे और श्री कृष्ण भगवान की सेवा करते रहे, यही मेरी शुभकामना है। जय महाराष्ट्र। जय। आपका कहना सही है कि गोकुल अष्टमी के दिन कृष्ण कन्हैया की जन्मदिन उत्सव मनाया जाता है, लेकिन कृष्ण कन्हैया हमारे आराध्य देव है। जिस दिन 7, मेरा मानना ऐसा है, मेरे परिवार का मानना ऐसा है कि 7 जनवरी के दिन मेरी बेटी तृषा
उसके वजह से कृष्ण कन्हैया हमारे घर में आए थे। और हमारा ऐसा मानना है कि जिस दिन हमारे घर में प्राण प्रतिष्ठा हुई वो कृष्ण कन्हैया आराध्य देव हमारे हैं, इसलिए हम हमारे जैसे बच्चों को बर्थडे करते हैं वैसा ही हम हमारे आराध्य के बर्थडे करते हैं। तैयारी में तो मेरे साथी संभाजी कदम, मीना सुरवे, रविंद्र मिश्रा, प्रमोद साड़वी, विशाल नागरे और गोपीनाथ मुनूरी और मेरे संतोष देशमुख माने साहब, मैं किन किन का नाम गिनाऊँ, मेरे उनके साथ के बिना ये आज इतना बड़ा प्रोग्राम होता ही नहीं था। और यह प्रोग्राम की प्रेरणा मेरे किंग मेकर पति किरट शाह ने दी है कि इस बार तो कृष्ण कन्हैया का जन्म लोगों को पता चलना चाहिए क्या क्या होता है जन्म कृष्ण कन्हैया के, सिर्फ मटकी फोड़ना नहीं होता है, अपने साथ है कन्हैया, उनकी एहसास दिलाया आज मैंने धार्मिक प्रचार किया। आरम चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से आने वाले दिनों में आपको कोई वादा मैं नहीं करूंगी, काम करके दिखाऊंगी, फिर आप मेरा इंटरव्यू लेने आना, तब आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्या काम किया। मेरे आने वाले मेहमान, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे बच्चे, मेरे वडिल, माता समान पिता समान मेरे वडिलों, वो लोग आए उनको मैं हाथ जोड़ के यही विनंती करती हूँ कि ऐसे ही साथ मुझे देते रहिए। और जो कृष्ण कन्हैया की तरफ उनका प्रेम है खींच के लाई, वैसा ही मेरा प्रेम भी उनको खींच के लाएंगे। आरम चैरिटेबल के ट्रस्ट के हमारे लोग, संभाजी कदम साहब है, रविंद्र मिश्रा है, उन्होंने कोविड में गणेश तारू है, उन्होंने विशाल नागरे, उन्होंने कोविड में बहुत अच्छी तरह से काम किया, जबकि मैं नहीं आती थी कोविड में, खुद मैं बीमार थी, तो उन्होंने जो जिस तरह से कोविड में काम किया तो उनको मालूम है कोविड क्या है, सुरक्षित घर में रहो और सुरक्षित रहो ऐसा नहीं है, लोगों की मदद करके भी सुरक्षित कैसे रहना है हमारे लोग अच्छी तरह से जानते हैं। मेरा नाम सुभाष तिवारी है और आज 7 जनवरी को भावनाबेन शाह जी ने जो एक लाला जी का जो जन्मोत्सव जो यहाँ पर रखा है, उस जन्मोत्सव के बारे में मुझे पता चल के जब मुझे इनविटेशन मिला तो मैं समझ रहा था कि किसी व्यक्ति का जन्मदिन है, लेकिन जब उसके बाद जब मुझे पता चला कि स्वयं कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव बहन मना रही है, तो मतलब मैं खुद भाव विभोर हो गया। अर्थात ये है कि भावना बहन जी जो है एक ऐसी समाज सेविका है जिसका मतलब मैं जितना बोलूँ, जितने टाइम बोलूँ, जितने घंटे बोलूँ वो कम है उनके बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में, कि मतलब ऐसा कोई स्थान नहीं बचा है, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा जहाँ पर वो अपनी अपनी जो ये सेवा है उसको ना दे। उनके नाम में भाव छुपा हुआ है, इसके लिए उनका नाम भावना, उनके अंदर भाव की कोई कमी नहीं है। चाहे और हमारे जैसे चाहे किसी भी समाज से, हमें उत्तर भारतीय समाज से आता हूँ और भावना बहन के लिए जितने भी समाज के लोग हैं, सारे समाज के लिए, के लोगों के लिए एक ही भाव है और वो है प्रेम भाव। उनका सबसे पहला यही है, उन्होंने ये लॉकडाउन में उन्होंने कभी कोई भेदभाव नहीं रखा किसी के लिए भी, और आगे बढ़ चढ़कर उन्होंने दिल खोल कर लोगों की सेवा की, और मैं ऐसा चाहता हूँ कि भगवान उनको दीर्घायु दे और इसी तरह से वो लोगों के और हमारे बीच में बनी रहें। और भगवान श्री कृष्ण की उन पर इतनी बड़ी कृपा है और उनका जन्मोत्सव वो मना रहे हैं, तो भगवान श्री कृष्ण जरूर उनके हमेशा उनके साथ में रहते हैं, अभी भी हैं और हमेशा रहेंगे। और ये मैं ऐसी शुभकामना मैं बहन को देता हूँ कि आपकी बुद्धि, सद्बुद्धि जिस तरह से है, इस तरह से हमेशा बनी रहे और आपका प्रेम और स्नेह हमारे ऊपर सदैव बना रहे। जन्मदिन मनाया जा रहा है कृष्णा जी का। आरम चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से जो आज यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, बहुत आनंद मिल रहा है, एक अच्छा वातावरण इसके वजह से यहाँ पे निर्माण हुआ है। और कान्हा जी का जो आशीर्वाद है उसी की एक ये है कि आरम चैरिटेबल ट्रस्ट आज हमारे वार्ड में आके इतने अच्छे काम कर रहा है, लोगों की मदद कर रहा है। मैं जहाँ तक मुझे मालूम है मैडम ने बहुत जनों का ऑपरेशन करने के लिए मदद किया है, बहुत से गरीबों को हेल्प किया है, युवा वर्ग है जिनको क्रिकेट का कुछ है सामान है, जो कुछ है जो यहाँ पे जैसे कान्हा जी के पास जो मांगो वो मिल जाता है, वैसे भावना ताई के पास जो मांगो वैसे मिल जाता है, ऐसे मुझे लगता है। तो बहुत एक अच्छा काम उनके हाथ से हो रहा है कान्हा जी के आशीर्वाद से, वो ऐसे ही चलता रहे, निरंतर चलता रहे। और कान्हा जी
हमें भी उनकी तरह काम करने की प्रेरणा उनके माध्यम से दे, यही कान्हा जी के चरणों पर हम लोग आशीर्वाद मांगे। संभाजी कदम, आरंभ चैरिटेबल ट्रस्ट कार्यालय अध्यक्ष। आज 7 जानेवारी, प्रत्येक 7 जानेवारीला भावनाताई शाह यांच्या घरी श्रीकृष्ण जन्मोत्सव होतो। आज मी या शहा परिवाराला असं धन्यवाद देईन की भगवान श्रीकृष्णाची सेवा आम्हाला करण्यासाठी जे भाग्य मिळालं ते फक्त शहा परिवाराच्या वतीनं, आणि म्हणून भावनाताई शाह या आज संपूर्ण वार्डमध्ये 2 वार्ड नंबर 12 देवीपाडा ह्या विभागामध्ये संपूर्ण जबरदस्त असा समाजसेवेचं काम करत आलेले आहेत। लॉकडाऊन असू दे किंवा इतर दिवाळीचा कार्यक्रम असू दे किंवा आता हळदी कुंकवाचा समारंभ, ह्या सगळ्या कार्यक्रमामध्ये त्यांचा जास्तीत जास्त सिंहाचा वाटा असतो। आम्ही सर्व कार्यकर्ते त्यांना चांगल्या प्रकारे मदत करतो, आणि आज आरंभ चॅरिटेबल ट्रस्ट हा वार्ड क्रमांक 12 एक जबरदस्त कार्यरत झालेला आहे। हे कार्यरत अशाच प्रकारे चांगल्या पद्धतीने व्हावं असे मी माझ्या चरणी माझ्या तर्फे भगवान श्रीकृष्णाजवळ प्रार्थना करतो, आणि ती आमची मनोकामना पूर्ण व्हावी हीच इच्छा, आणि मी माझं छोटंसं भाषण संपवतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।